हेलो एवरीवन, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है बहुत सारी बीमारियों की जड़ होता है। पेट की बहुत सारी बीमारियां जिनको कब्ज की समस्या रहती है उन लोगों को ज़्यादा होती है, और अगर सही समय पर इसको नहीं ध्यान दिया जाता, इसकी को केयर नहीं किया जाता तो और भी बहुत सारी बीमारियां जैसे कि बवासीर है, हाजमे की दिक्कत है, बहुत सारी बीमारियाँ कब्ज के कारण हो जाती हैं। हमारे आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान हैं, आपको क्या टिप्स फॉलो करनी है, आपका खान पान कैसा होना चाहिए, क्या औषधियाँ इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं, ये सारी जानकारियाँ लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोज बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियाँ चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब कर लें। अक्सर देखा जाता है जिन लोगों का पेट सुबह खुलकर साफ नहीं होता उनको पेट में भारीपन लगता है, भूख नहीं लगती और किसी भी काम में मन नहीं लगता। कब्ज के अगर हम कारणों की बात करते हैं तो जो लोग खाने के अंदर तले भुने पदार्थ, बाजार के खुले पदार्थ हैं, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें देखा जाता है कब्ज की दिक्कत ज़्यादा आती है। खाने के अंदर फाइबर की डाइट कम होना, जो लोग सलाद कम खाते हैं उनमें भी देखा जाता है कब्ज की समस्या ज़्यादा आती है। ज़्यादा फ्रिज की ठंडी चीज़ें खाना, ज़्यादा आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करने वालों में भी देखा जाता है कब्ज की समस्या ज़्यादा आती है। जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज कम करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, खाना खाते ही बैठ जाते हैं, ज़्यादा समय तक सोते हैं, जिनका डाइजेशन पुअर होता है, मोटापा ज़्यादा होता है, उन लोगों में भी देखा जाता है कब्ज की समस्या ज़्यादा आती है। जिन लोगों को ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, उनमें भी देखा जाता है कब्ज की समस्या अक्सर आती है। प्रेगनेंसी के समय भी देखा जाता है महिलाओं को अक्सर कब्ज की समस्या आती है। जो लोग पानी कम पीते हैं या गलत समय पर पानी पीते हैं उनमें भी देखा जाता है अक्सर कब्ज की समस्या आती है। तो अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान हैं, ऐसे में चार ऐसी टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे आपका लाइफस्टाइल भी सुधर जाएगा और साथ में कब्ज और हाजमे संबंधी समस्याओं में भी काफ़ी फायदेमंद हैं। जो लोग कब्ज से परेशान हैं उन लोगों को खाने से आधा घंटा पहले सलाद का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर खाने के अंदर फाइब्रस डाइट अच्छी होती है तो उससे कब्ज है, पेट है, ठीक रहता है। आप सलाद के अंदर खीरा, ककड़ी, टमाटर, मूली, गाजर या जो भी आपको सीजनल फ्रूट्स हैं जैसे तरबूज, खरबूजा मिल रहा है, जिनको कब्ज रहती है उनको खाने से आधा घंटा पहले जरूर खाने चाहिए। दिन में समय पर खाना खाना चाहिए। बहुत सारे लोगों में हैबिट देखी जाती है, या तो लंच स्किप कर देते हैं या डिनर स्किप कर देते हैं, अपनी भूख के अनुसार है, हमें खाना खाना चाहिए। खाने में भी आप जितनी भूख हो उससे एक या दो चपाती आपको कम लेनी चाहिए। रोटी बनाते समय भी अगर आटे को बिना छाने उसकी रोटियां बनाई जाती हैं तो वो हमारे इंटेस्टाइन के लिए, हमारे हाजमे के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती हैं, क्योंकि उनमें फाइबर ज़्यादा होता है जिस कारण कब्ज की दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है उन्हें पानी भी खूब पीना चाहिए। पानी पीने का भी समय होता है, खाने के एक घंटे बाद तक पानी नहीं पीना। आप खाली पेट पानी ले सकते हैं सुबह उठते ही। जिनको कब्ज की दिक्कत रहती है, तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी कब्ज के रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होता है, या आप खाने के एक डेढ़ घंटे बाद है पानी ले सकते हैं। कब्ज की समस्या हो तो हल्का गुनगुना पानी भी आप इस्तेमाल करें, वो बहुत फायदेमंद है। कब्ज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसलिए खाना खाते ही एकदम बैठना नहीं चाहिए। जिनको पेट की दिक्कत रहती है, हाजमे की दिक्कत है, कब्ज की समस्या रहती है, ऐसे में आप खाना खाने के बाद 10 मिनट चाहे वॉक ही कर लें, लेकिन थोड़ा बहुत टहलना, फिजिकली एक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है अगर वो दिन में बेलगिरी का जूस पीते हैं तो काफी फायदेमंद होता है। बेलगिरी का फल आसानी से मिल जाता है, आपको इसका ऊपर का
छिलका निकाल के अंदर का गुद्दा मैश करके पानी में अगर बेलगिरी का जूस पिया जाता है तो कब्ज के रोगियों के लिए, पेट के हाजमे के लिए, जिनको आंव आती है उन रोगियों के लिए यह बेलगिरी का जूस काफ़ी फायदेमंद है। दही, लस्सी, प्रोबायोटिक्स का भी अगर इस्तेमाल किया जाता है, देखा जाता है कब्ज के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, क्योंकि यह हमारी गट की हेल्थ को अच्छा रखती है, हमारे हाजमे को अच्छा रखती है, खाने का डाइजेशन अच्छा होता है। तो इसलिए खाने के साथ दही, लस्सी का प्रयोग करना भी हमारे पेट और कब्ज की समस्या के लिए काफी फायदेमंद है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है या बच्चों में अक्सर देखा जाता है कब्ज की समस्या रहती है, ऐसे में रात को 5-7 मुनक्का दाग पानी में भिगो दें। सुबह उन दाग को अगर लिया जाता है तो उससे देखा जाता है कब्ज की समस्या में, स्पेशली छोटे बच्चों की कब्ज में यह काफी फायदेमंद है। अमरूद का प्रयोग करना भी कब्ज के रोगियों के लिए काफी फायदेमंद है। जिनको कब्ज की समस्या रहती है ऐसे में अमरूद अगर दिन में 3-4 खा लिए जाते हैं तो पेट खुलकर साफ होने लगता है। आयुर्वेद में काफी सारी औषधियां हैं जो कि कब्ज के लिए काफी फायदेमंद है, जैसे त्रिफला चूर्ण है, एरंड तेल, कैस्टर ऑयल आदि, जो कि आप ले सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी गट को, हमारी हाजमे को ऐसी ही आदत पड़ जाती है जिस कारण कि बिना उनके फिर पेट साफ नहीं होता। इसलिए आप कुछ समय के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको दिक्कत ज्यादा हो, अदरवाइज आपको अपने लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस करने हैं जिससे कि आपका हाजमा ठीक रहे, आपको कब्ज की समस्या कम आए। कब्ज से परेशान लोग क्या ना खाएं? ज़्यादा प्रोसेस्ड जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर जो कब्ज से परेशान हैं उनको कम लेना चाहिए। मैदे से बनी हुई चीज़ों का भी इस्तेमाल कम करना चाहिए। फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। पानी भी हो तो मटके का इस्तेमाल करें। बच्चों में भी जिनको कब्ज की दिक्कत रहती है आइसक्रीम का प्रयोग कम कराएं। कब्ज के रोगियों को अल्कोहल का कंजम्पशन भी कम करना चाहिए। वेस्टर्न टॉयलेट सीट्स भी कब्ज की समस्या का आज एक बड़ा कारण है, इसलिए जिनको कब्ज की दिक्कत रहती है उनको चाहिए कि वो इंडियन सीट्स का इस्तेमाल करें, या वेस्टर्न सीट्स भी आप इस्तेमाल करते हैं तो उनके नीचे स्टैंड आप रखें ताकि पोस्चर आपका ठीक रहे, जिससे कब्ज जो है और पेट की समस्याएं कम आए। उम्मीद है कब्ज से संबंधित यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी जरूरतमंद लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंच पाएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले और भी महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।